हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलका फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 12th क्लास की फिजिक्स का, और जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। और लास्ट का हमारा जो टॉपिक था वह था इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बिल्कुल बारीकी से अध्ययन किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही आगे का हिस्सा है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्ष पर या उसकी अनुदैर्ध्य रेखा पर यदि कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर उस विद्युत द्विध्रुव के कारण फाइनल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यही ज्ञात करेंगे हम आज के टॉपिक में। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक सलाह यही है कि आज का जो वीडियो आप अध्ययन करें उससे पहले आप एक बार थोड़ा सा इससे पहले वाले टॉपिक को जरूर देख लें। वैसे तो आपको बताया जाएगा कि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या किया है, लेकिन पूरा बारीकी से आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा टॉपिक लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव रियल में होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक निकाय है, मतलब एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें आवेशों के जो परिमाण होते हैं वो परिमाण समान होते हैं। आवेशों के परिमाण समान होते हैं तथा उनकी प्रकृति जो है वह विपरीत होती है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज। माना यह नेगेटिव चार्ज है और यह पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, और वह दूरी हमने मानी थी 2a। इस प्रकार के आवेशों का जो निकाय बनेगा उस निकाय को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, जो कि इससे पहले वाले भाग में हमने अध्ययन किया है। तो क्या सारांश निकला, दो चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड समान हो लेकिन उनका नेचर विपरीत हो और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, तब इस प्रकार का जो सिस्टम बनेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब हमारे पास में है इसकी अक्ष, तो अक्ष का मतलब होता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को उसकी अक्ष कहा जाता है। ये थोड़ा सा पीछे वाले टॉपिक का ही अध्ययन है। अब हमारे पास मध्य का जो बिंदु होता है उसे उसका केंद्र बिंदु कहते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो अक्ष के ऊपर है, मतलब इस लाइन के ऊपर कहीं पर कोई बिंदु लिया जाता है तो उस बिंदु पर इन दोनों चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो अब हमारे को टारगेट पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्ष पर यदि कोई बिंदु पी लिया जाता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यही ज्ञात करेंगे हम आज के टॉपिक में। तो यहां हमारे पास दो चार्ज हैं तो किसी एक चार्ज की वजह से किसी दूसरे चार्ज की वजह से दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा, और उनका अध्यारोपण का सिद्धांत हम लगाएंगे और परिणामी विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं बिल्कुल व्यवस्थित रूप से। तो देखिए, यहां पर माना कि हमारे पास यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है और जिस पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है तथा दोनों आवेशों के मध्य का जो बिंदु होता है उस मध्य के बिंदु को उस विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु कहते हैं। अब हमारे पास दोनों के बीच की दूरी 2a है तो इसके सेंटर से इस बिंदु के बीच की दूरी और इसके सेंटर से इस बिंदु के बीच की दूरी 2a की क्या हो जाएगी, आधी। यानी इसके केंद्र बिंदु से माइनस क्यू चार्ज के बीच की दूरी a और O से B बिंदु के बीच की दूरी भी कितनी होगी, a होगी। अब हमारे पास पॉइंट बनाते हैं अक्ष का, तो आप यहां पर एक अक्ष का निर्माण कर लीजिए। तो अब हमारे पास यह हो गया विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, और इस अक्ष के ऊपर हम कोई बिंदु लेते हैं P। अब यहां पर P बिंदु यहां पर भी लिया जा सकता है, यहां पर भी लिया जा सकता है और यहां पर भी लिया जा सकता है, अपनी इच्छा से आप कहीं पर भी बिंदु को ले सकते हैं। माना कि यहां पर हमने बिंदु लिया है P, और इस P बिंदु पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमें ज्ञात करना है। टारगेट हमारे को पता चल गया है। देखिए, अब ये जो बिंदु P लिया है उसकी केंद्र से जो दूरी है वो हमने मान ली कितनी है, R है। P बिंदु पर हमें फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, तो हमारे पास यहाँ निकाय में दो चार्ज हैं तो अलग अलग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्राप्त होगा, माना कि प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा वो मैंने मान लिया E1, तथा माइनस क्यू के कारण P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मान मैंने मान लिया कितना है, E2।
तो अब हमारे पास जब हम सिंगल चार्ज को लेते हैं तो सिंगल चार्ज वाला टॉपिक हमारे पास बन जाता है, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, E बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां R क्या था, बिंदु आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी थी। तो यहां पर हमारे पास जब प्लस क्यू को लेंगे तो इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी हमें चाहिए, यानी B से लेके P के बीच की दूरी की हमें आवश्यकता होगी जब E1 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई दूरी, दूरी हमारे पास में कौन सी, बी पी, बी पी का स्क्वायर। तो बी पी हमें ज्ञात करना है। जब E2 की बात करेंगे तो E2 हमारे पास माइनस क्यू की वजह से है, माइनस क्यू हमारे पास A बिंदु पर है और P बिंदु हमारे पास यहां पर है, तो A से लेके P के बीच की दूरी आएगी E2 के लिए। फॉर्मूला वही होगा, के क्यू बाई दूरी का स्क्वायर, यानी ए पी स्क्वायर। तो अब हमें यहां पर प्यारे विद्यार्थियों क्या ज्ञात करना है, एक तो बी पी का मान ज्ञात करना है और एक ज्ञात करना है हमें किसका मान, ए पी का। देखिए थोड़ा सा फोकस करना, केंद्र से लेके पी बिंदु के बीच की दूरी आर है, यहां तक की दूरी ए है, तो शेष हमारे पास ये जो दूरी बचेगी वो हो जाएगी, बड़े मान में से छोटे मान को घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा आर माइनस ए, यानी बीपी का मान हमारे को मिलेगा आर माइनस ए। तो यहां बीपी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा, यहां तक की दूरी आर है, यहां तक की दूरी ए है, तो यहां तक की दूरी कितनी बचेगी, आर माइनस ए। ठीक है जी, अब देखिए O से लेके P के बीच की दूरी कितनी है, R। अब A बिंदु थोड़ा और आगे है, कितना आगे है, A, तो R यहां तक हो रहा है और इससे आगे कितनी दूरी है, A। तो इसका मतलब ये हुआ कि A से लेके P के बीच की दूरी जो होगी वो R में A जोड़ने पर प्राप्त होगी, R प्लस A, R प्लस A। तो AP का मान कितना आया हमारे पास, R प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा इसके अनुसार। तो अब हमारे पास E1 का सूत्र क्या बनेगा, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, E2 का मान आएगा के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो प्लस Q के कारण वैल्यू हमारी को प्राप्त हो गई, माइनस Q के कारण वैल्यू हम ये वाले पुट करेंगे। तो अब हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड तो प्राप्त हो जाता है इन सूत्रों से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वैक्टर क्वान्टिटी है, तो अब हमारे पास इसकी डायरेक्शन किधर होगी वो देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, जिसका टॉपिक हमने इससे पहले वाले में देखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक भौतिक राशि थी जिसका फॉर्मूला हमने निकाला था Q इंटू टू ए वैक्टर, यानी इस विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर। तो अब हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन थी वो हमने जानी थी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी ए से बी की ओर। यहां तक हमारे पास टॉपिक कंप्लीट था। अब ईवन की डायरेक्शन हमें देखनी है, तो ईवन हमारे पास किसकी वजह से है, प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू के कारण जब पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आवेश से जाती हुई, यानी बाहर की ओर। तो अब हमारे पास सीधा से ये बता सकते हैं, आवेश से बिंदु की ओर, यानी बी से पी की ओर। तो इसकी डायरेक्शन आएगी इस प्रकार से, E1 वेक्टर। जब नेगेटिव चार्ज लेंगे तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आवेश की ओर, आवेश की ओर, यानी बिंदु से आवेश की ओर, और यह डायरेक्शन हो जाएगी इस प्रकार से, E2 वेक्टर। तो यहां तक आपके पास ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। E1 की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के कारण, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है पॉजिटिव से बाहर की ओर जाती हुई, या हम ये कह सकते हैं आवेश से बिंदु की ओर।
हमेशा परमानेंट याद रख लेना, पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन होती है चार्ज से बिंदु की ओर, और नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन होती है पॉइंट से चार्ज की ओर। तो अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, इनको थोड़ा सा यदि हम देखें तो E1 की डायरेक्शन इस डायग्राम के अनुसार राइट हैंड साइड में है, और P की डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड में, यानी P और E1 वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, जबकि P और E2 की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, जो कि इस डायग्राम से हमारे को प्राप्त हुआ है। तो यह हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्ष के कारण किसी बिंदु P पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे तो उसका डायग्राम। और अब आपको यहाँ पर इसकी लैंग्वेज भी लिखनी है, यानी जो प्रक्रिया आपने अपनाई है वो प्रक्रिया आपको यहाँ पर लिखनी है। जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एक बार आप उसको फोकस कीजिए कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू चार्ज स्थित है। दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2a है तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से प्रत्येक आवेश के बीच की दूरी स्मॉल a है, जो यहां से दिख रहा है। अब विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है, तब हमारे पास क्या सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को जोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट। तो यहां पर लिखते हैं हम इसका वर्णन। तो यह हो गई इस डायग्राम की संरचना जो हमने यहां पर लिख दी है, जो कि अभी आपको बताया था कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू है तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। केंद्र O से प्रत्येक आवेश के बीच की दूरी a है। केंद्र से r दूरी पर उसकी अक्ष पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, तब हमारे पास पहले ज्ञात करेंगे प्लस क्यू के कारण E1 का मान, फिर माइनस क्यू के कारण E2 का मान, और वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी KQ बाई आवेश से बिंदु के बीच की दूरी R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस क्यू के कारण आ जाएगा KQ बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। दोनों को हम सदिश योग करेंगे और अध्यारोपण का सिद्धांत लगाकर उसको हल करेंगे। आप इसका डायग्राम और ये इसकी संरचना नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इससे आगे का भाग, यानी दोनों विद्युत क्षेत्रों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब देखते हैं इसके आगे का भाग, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। यहां पर विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, ध्यान रखना। तो E1 वेक्टर बराबर हो गया 1/4πε₀, जहां 1/4πε₀ K के बराबर होता है और ε₀ निर्वात की विद्युतशीलता, यानी हमारे पास जो निकाय है वह निर्वात में है। Q/r-a का होल स्क्वायर, और यहां पर लगा दिया P कैप। पी कैप जो है वह पी वेक्टर की दिशा में एक एकांक सदिश है, और जिस डायरेक्शन में पी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में E1 वेक्टर है, इस कारण से E1 वेक्टर के साथ हमने क्या लगाया, पी कैप लगाया है, और दिशा एक तरह से हमारे पास होगी बी से पी की ओर। क्लियर है यहां तक, जहां पी कैप सदिश पी वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है, और उसकी दिशा थी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, और E1 की डायरेक्शन भी आ रही है हमारे पास नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, सेम यही प्रकार होगा, E2 वेक्टर बराबर 1/4πε₀Q, दूरी यहां पर चेंज हो जाती है और वो मिली थी हमारे को r+a का होल स्क्वायर, जो कि अभी आपको डायग्राम में समझाया। यहां पर आ गया माइनस P कैप, यहां पर माइनस इसलिए यूज हुआ है क्योंकि P वेक्टर की डायरेक्शन और E2 वेक्टर की डायरेक्शन विपरीत दिशा में थी, जो कि अभी डायग्राम में देखा भी है। तो यहां पर दिशा हो गई P से B की दिशा में। अब हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों P बिंदु पर हमें ज्ञात करना है परिणामी विद्युत क्षेत्र, क्योंकि अलग अलग विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो गए हैं, इसका मतलब वहां पर कौन सा सिद्धांत लगेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। और मान हो जाएगा हमारे पास E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 वेक्टर का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने यहां पर पुट कर लिया है तथा E2 वेक्टर का मान इक्वेशन नंबर सेकंड से। अब करते हैं इसके आगे का हल। यहां से हमारे को पता चल रहा है कि यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो क्यू, और ए कॉमन आ रहा है 1/4πε₀। तो कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा क्यू अपॉन
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बचेगा वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से पी कैप भी कॉमन है और इस माइनस की वजह से ये चिन्ह आपके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यह ब्रैकेट बचेगा हमारे पास में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया पी कैप, क्योंकि पी कैप भी यहाँ पर कॉमन है। तो अब हमारे पास आपको पता है कि जब हमारे पास भिन्नों में संख्या हो और उनके बीच में यदि प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो तो आप परमानेंट एक ही तरीका अपना सकते हैं कि वहां पर आप उसको एलसीएम लेकर आगे हल कर लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आगे क्या कंडीशन बनेगी वो प्रश्न में अपने आप ही हमारे को पता चल जाएगा कि आगे उसको कैसे हल करना है। तो आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अब इसके आगे का, आगे का हल करते हैं अब यहाँ पर। तो हमारे पास में आ जाएगा E वेक्टर बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हमारे पास LCM दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे, यहाँ पर आ गया R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा P कैप। अब ध्यान दीजिए कि R माइनस ए के होल स्क्वायर का जब हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस वाला पद कट जाएगा और प्लस वाला बचेगा, जो एक से गुणा होगा तो हमारे पास प्लस वाला पद आ जाएगा ऊपर, तो प्लस वाला मान आ जाएगा हमारे ऊपर। यहाँ पर माइनस प्लस वाला मान है तो ये कटेगा, माइनस वाला मान हमारे पास आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हमारे पास में है आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर है आर माइनस ए आर प्लस ए। तो हमारे पास बीजीय व्यंजक जो होते हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी तथा a प्लस बी का मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का क्वेश्चन बन चुका है, जो कि अभी आपको बताया आप एलसीएम लीजिए, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा प्रश्न किस रूप का बन चुका है। R प्लस ए यानी A प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, R माइनस ए यानी A माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, R माइनस ए R प्लस ए यानी A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर लगेगा। तो आप यहां पर A की जगह R पुट कर दीजिए और B की जगह A पुट कर दीजिए। तो अब आपके पास सॉल्व कर लीजिए इसको, देखते हैं अब इसके आगे का भाग। यहां पर आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस a स्क्वायर, पहले फॉर्मूले के अनुसार माइनस माइनस वाला लगाइए r स्क्वायर माइनस 2ra प्लस a स्क्वायर, और यहां पर आएगा p कैप अपॉन में हमारे पास में है r माइनस a r प्लस a यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लेकिन यहां पर होल स्क्वायर है। देखिए तो यहां पर होल स्क्वायर तो पूरे के भी होल स्क्वायर, इसका मतलब यहां पर भी पूरे के क्या होगा होल स्क्वायर। अब हल करते हैं आगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट हटा दीजिए आप यहां से, तो आपके पास में r स्क्वायर 2ra प्लस a स्क्वायर माइनस है, माइनस का चिन्ह ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्हों को चेंज कर देगा, तो हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस टू आर ए माइनस ए स्क्वायर और पी कैप, यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से आर स्क्वायर प्लस माइनस के हैं कट जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस माइनस के हैं ये भी कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास टू आर ए टू आर ए, जो बचता है उसको आप यहां पर नोट कीजिए। E वेक्टर बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ra 2ra कंप्लीट हो गया 4ra अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और p कैप, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो विद्युत द्विविध ध्रुव के कारण प्राप्त हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण वाली जो भौतिक राशि है उसके कारण हमें ई प्राप्त होगा। तो इसका मतलब यहां पर विद्युत द्विविध ध्रुव वाला टॉपिक प्राप्त होना चाहिए। तो अब हम यहां पर लिख देंगे चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है P बराबर Q इंटू टू ए, तो यहां पर फॉर्मूले में P बराबर होता है Q इंटू टू ए, Q हमारे पास मौजूद है, A हमारे पास में है
और यहाँ पर क्या चाहिए आपको, टू, जबकि यहाँ पर कितना है, फोर, तो फोर का हम डबल कर लेंगे, टू इंटू टू, तब हमारे पास इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देंगे पी के रूप में। सेकंड, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर यदि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है, यानी आर का मान ए की तुलना में बहुत बड़ा है, अब चूंकि जो केंद्र से पी बिंदु ले रहे हैं वो दूरी दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसकी तुलना में बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ तो एक का मान और भी ज़्यादा छोटा होगा, तब इस स्थिति में, तब हमारे पास, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, यदि मैं इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो आर स्क्वायर बाहर होगा, वन माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा इसके अपोन में, और यहाँ पर होल स्क्वायर। अब चूंकि इस पूरे के होल स्क्वायर था, इस कारण से जो आर स्क्वायर बाहर आएगा उसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इस कारण से इसकी पावर कितनी आ जाएगी, फोर। अब हमारे पास यह फॉर्मूला बन गया, आर की घात चार, वन माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आर का जो मान है वो ए की तुलना में बहुत बड़ा है, यानी ऊपर वाला मान छोटा है और नीचे वाला मान बहुत बड़ा है, और उसका भी होल स्क्वायर है, इसका मतलब संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अब ऊपर वाले मान में यदि नीचे वाले का भाग देंगे तो मान हमें बिल्कुल अत्यल्प प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर एक और माइनस, यहाँ जो मान आएगा वो पॉइंटों में बहुत छोटा मान प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में एक की तुलना में इधर वाले मान को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी नगण्य मान सकते हैं। इस हिसाब से हमारे पास यहाँ आर की घात चार बचेगी और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है वो आपके खत्म हो जाएगा, या सीधा सा हम ये कर सकते हैं कि इस आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। तब हमारे पास जो समीकरण तीन है वो क्या रूप बनेगा वो देखते हैं। अब यहाँ तक के पार्ट को आप नोट कर लीजिए, अब देखते हैं इसके आगे का भाग। तो अब हमारे पास यहाँ पर आपको नोट करना है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। समीकरण तीन का रूप बन जाएगा E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, और एक 2 आ जाएगा R के साथ, 2R, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, और P कैप, यहाँ से A स्क्वायर को यहाँ पर नगण्य कर लिया है। तो हम यहाँ पर नोट कर सकते थे कि R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर को नगण्य करने पर, रियल में ए स्क्वायर नगण्य नहीं होता है, अभी आपको बताया कि यहाँ से आर की घात चार बाहर आ जाता है, एक की तुलना में ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर ये वाला पद एक की तुलना में नगण्य होता है। तो अब हमारे पास लिखते हैं आगे का पार्ट, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू, इस क्यू इंटू टू ए की जगह लिख सकते हैं हम पी, यहाँ पर हमारे पास में है 2R, यहाँ पर हो गया आर की घात चार, और पी कैप, यहाँ आर एक घात काटेगा और यहाँ पर बच जाएगा तीन। तो E वेक्टर बराबर हमारे पास में आ गया 1/4πε0 2P/R3 और P कैप, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4। चूंकि हम जानते हैं कि किसी एकांक सदिश की परिभाषा होती है सदिश बटा सदिश का परिमाण, तो यहाँ से P वेक्टर बराबर हम निकाल सकते हैं P और P कैप, पी और पी कैप यहाँ पर है और पी और पी कैप यहाँ पर भी है, तो पी और पी कैप की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पी वेक्टर। इसलिए फाइनल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 2P/R3 और यहाँ पर वेक्टर। तो यह होगा उस विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर केंद्र से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। E वेक्टर बराबर 1/4πε0 2P/R3। इस फॉर्मूले को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि E वेक्टर बराबर 2KP/R3, क्योंकि K बराबर क्या होता है, 1/4πε0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता है वो केंद्र से दूरी के घन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, जबकि सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, जबकि यहाँ पर दूरी के क्यूब के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा, हमारे पास अब जो फाइनल विद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, E1 की डायरेक्शन थी पी वेक्टर की दिशा में, E2 की डायरेक्शन आई पी वेक्टर की दिशा के विपरीत, तो अब दोनों की वजह से जो कंबाइंड E हमारे को मिला उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर क्वांटिटी, राइट हैंड में भी वेक्टर क्वांटिटी,
लेकिन क्या यहां पर कोई माइनस का चिन्ह है? नहीं। यदि माइनस का चिन्ह होता तो इसका मतलब डायरेक्शन जो थी वो विपरीत होती, लेकिन यहां पर कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ई वेक्टर की डायरेक्शन पी वेक्टर की डायरेक्शन की क्या होगी? अनुदिश। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। लैंग्वेज यहां पर लिख देना, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के क्या होती है? अनुदिश होती है। आप थोड़ा सा यहां से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो E1 का फॉर्मूला था वो था हमारे पास KQ बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, और E2 का जो फॉर्मूला था वह था KQ बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। तो यहां से आप इनके परिमाण देखिए, KQ दोनों में सेम है, तो इसका मतलब E1 का मान R माइनस A के होल स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, E2 का मान R प्लस A के होल स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो R माइनस A और R प्लस A इन दोनों में मान कौन सा बड़ा है? R प्लस A बड़ा है और R माइनस A छोटा है, तो इसका मतलब ये मान कम है, तो इस वजह से E1 का मान क्या होगा? ज़्यादा। और इस वैल्यू में ये R प्लस A आपके बड़ा है, तो इसका मतलब E2 का मान क्या होगा? कम। यानी E1 आपके ज़्यादा है और E2 का मान आपके कम है। तो यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि E1 का मान आपके इस डायरेक्शन में है और E2 का मान आपके इस डायरेक्शन में था। तो जिसका मान आपके ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में उसकी वैल्यू आएगी। माना कि E1 का मान जैसे 10 प्राप्त हुआ और E2 का मान हमारे पास कितना आया? 7। तो अब हमारे पास जो परिणामी मान आएगा वो 10 माइनस 7 से ही निकलेगा, इसका मतलब कितना मान बचेगा? वो 3। समझने के लिए, तो 3 जो बचा वो किसका मान बचा? E1 का, और E1 का मान E1 की डायरेक्शन में ही आएगा, इसका मतलब परिणामी जो डायरेक्शन आएगी वो दाईं तरफ आएगी। तो परिणामी जो डायरेक्शन आएगी वो इस कंडीशन के अनुसार दाईं तरफ आएगी, और P वेक्टर की डायरेक्शन भी किधर है? आपके दाईं तरफ ही है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार भी हमारे को स्पष्ट हो रहा है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा P वेक्टर की दिशा के क्या होती है? अनुदिश। तो यहाँ से हम साधारण तरीके से समझें, तब भी हमारे पास E1 का मान E2 के मान से ज़्यादा है, तो परिणामी मान जो बचेगा वो E1 का बचेगा, और E1 की जो डायरेक्शन थी वो P वेक्टर की डायरेक्शन के अनुदिश ही थी, इस कारण से परिणामी मान भी P वेक्टर की डायरेक्शन के अनुदिश ही होगा। तो यह था हमारे पास आज का टॉपिक कम्प्लीट, जो 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे इसके निरक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। टॉपिक था हमारे पास विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना, नेक्स्ट में देखेंगे इसके निरक्ष पर मान क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।